नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझ पर ही नजर रखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, दी रतन टॉप में मैं रतन सिंह राव आप सबका इस्तकबाल करता हूं। अब नजरें डालते हैं आज की खबरों पर। सबसे पहले आज का मेडिकल बुलेटिन। जालौर जिले में 11 नए कोरोना पॉजिटिव और मिले। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर हुई 1,239। जालौर जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते शुक्रवार को आई रिपोर्टों में सुबह 2 व शाम को 9 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं, जिससे कि जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,239 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि शुक्रवार को प्राप्त रिपोर्टों में पॉजिटिव आए लोगों में से कोरा गाँव से 2, मड़गांव से 4, धानोल से 4 और रोडा से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं पॉजिटिव आए व्यक्तियों के निवास स्थान में कंटेनमेंट जोन घोषित कर अविलंब कार्रवाई करने, साथ ही संपर्क सूत्र की स्क्रीनिंग, सैंपलिंग एवं आगामी कार्रवाई हेतु संबंधित BCMO को निर्देशित किया जा चुका है। शुक्रवार को 12 व्यक्ति कोरोना को हरा कर स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया है। वर्तमान में जिले में 90 कोरोना एक्टिव केस है, जिनका चिकित्सकीय देखभाल में उपचार किया जा रहा है। अब रानीवाड़ा से एक बड़ी खबर। पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर कार से जब्त किए कट्टे में रखे 40 लाख रुपए। जिले की रानीवाड़ा पुलिस ने शुक्रवार को रात्रि गश्त के दौरान रानीवाड़ा से भीनमाल जाने वाले सड़क मार्ग पर एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार से 40 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात्रि को नाकाबंदी के दौरान भीनमाल की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार को रोकने का इशारा किया गया, तो ड्राइवर द्वारा वाहन को तेज गति से चलाकर भगाया गया। पुलिस ने रानीवाड़ा में रेलवे क्रॉसिंग के पास गाड़ी को रोककर चालक पाड़ू खान पुत्र बशीर खान, जाति मंगलिया सिंधी, मुसलमान निवासी सांगाना, पुलिस थाना सायला, उम्र 24 वर्ष से, जब गाड़ी तीव्र गति से भगाने के बारे में सवाल जवाब किए तो उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। वहीं पुलिस को उसकी हरकतों पर शक होने से जब उसके वाहन की तलाशी ली गई तो गाड़ी में प्लास्टिक के कट्टे में रखे 40 लाख रुपए होना पाया गया। इतनी बड़ी रकम कहां से लाने व किस व्यक्ति को दिए जाने के बारे में भी उसके द्वारा कोई आय व्यय संबंधित जानकारी नहीं दी गई है। उक्त व्यक्ति द्वारा रकम की मिल्कियत साबित नहीं किए जाने पर धारा 102 के तहत 40 लाख रुपए जब्त कर उक्त ड्राइवर पहाड़ू खान को धारा 109 व 151 में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि उक्त राशि कहां आई, किसके लिए आई थी और किस क्षेत्र के लिए आई थी, वह जानकारी पुलिस जुटा रही है और जल्द ही इन तथ्यों का खुलासा भी हो जाएगा। लैब टेक्नीशियन एवं लैब असिस्टेंट की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ शाखा जालौर द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि इस संवर्ग के कार्मिकों की संख्या कम है, लेकिन इन्हें कोविड सैंपलिंग के लिए बाध्य किया जा रहा है, अतः सैंपलिंग का कार्य नर्सेज कर्मियों को करने के लिए दिया जाए। वहीं 7 दिन की ड्यूटी के बाद 7 दिवसीय अवकाश भी दिया जाए। इसी के साथ उक्त संवर्ग के कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। ज्ञापन सौंपते वक्त संघ के जिला अध्यक्ष गणपत राम चौधरी सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संवर्ग करीब 5 माह से कोविड-19 में सैंपलिंग व जांच कार्य लगातार कर रहा है बिना अवकाश लिए हुए। तो प्रशासन से और मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन है कि हमारा जो ग्रेड पे 4200 है वो लंबित मांग है, उसकी पूरी करें। वह संविदा पे जो भी लैब टेक्नीशियन और प्रयोगशाला सहायक लगे हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से परमानेंट करें। जालौर पुलिस ने किले से एक युवक को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। किरोड़ी गांव के मंदिर में पुजारी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने में गिरफ्तार संत शंभुनाथ के निवास स्थल से एक अन्य व्यक्ति को पुलिस द्वारा शुक्रवार शाम पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालौर दुर्ग पर एक मंदिर में निवास कर रहे साधु शंभुनाथ को कुछ माह पूर्व जिले के किरोड़ी गांव में स्थित एक मंदिर से चोरी किए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज उस मामले में जालौर पुलिस द्वारा जालौर दुर्ग पर स्थित उक्त मंदिर पर पहुंचकर मंदिर में ही निवास कर रहे एक युवक को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। वहीं युवक के साथ पुलिस ने पुजारी के निवास स्थान से एक कट्टे के अंदर कुछ सामग्री भी बरामद की है। हालांकि यह खबर अपुष्ट है कि उक्त युवक को पुलिस द्वारा किस मामले में पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों के लिए 4.60 करोड़ रुपए अनुमोदित। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अभिसरण समिति की बैठक में योजना के तहत चयनित 23 गांवों में 4.60 करोड़ रुपए की लागत से 148 कार्यों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अशोक कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक करतार सिंह, अधिशासी अभियंता जिला परिषद शंकर लाल राठौड़, उप निर्देशक महिला एवं बाल विकास अशोक विश्नोई, अधीक्षण अभियंता तारा चंद कुलदीप, उप निर्देशक कृषि डॉक्टर आर बी सिंह, तकनीकी सहायक अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग आर पी नवल, जिला रसद अधिकारी लल्लू राम मीणा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जिले में रिक्त 27 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे। जिला रसद कार्यालय द्वारा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त 27 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए संबंधित वार्ड एवं गांव के निवासियों से आवेदन मांगे गए हैं। जिला रसद अधिकारी लल्लू राम मीणा ने बताया कि जालोर तहसील के सरत, आहोर तहसील के आईपुरा, पीपरला की ढाणी, मीठड़ी, अजीतपुरा, रुड़माल की ढाणी व सांडन के लिए, बागोड़ा तहसील के राउता, छजाला, नया चैनपुरा, देवदा का गोलिया व नांदिया, भीनमाल शहर की वार्ड संख्या 4, 5 व 17 तथा खेड़ा गांव, रानीवाड़ा तहसील के लाखावास, धानोल, रतनपुरा, दांतवाड़ा, खांडा देवल, जसवंतपुरा के गजीपुरा व मणधर, सांचौड़ तहसील के डांगरा, पालड़ी, सोलंकियान व बादरुना तथा चीतलवाना तहसील के टापी, हेमागुड़ा, सरवाना तथा सागवाड़ा में रिक्त उचित मूल्य के दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित शुल्क के साथ जमा कराने की अंतिम तिथि 7 सितम्बर शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। जिला कलेक्टर गुप्ता ने उद्यानिकी कार्यालय का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को सहायक निर्देशक उद्यानिकी कार्यालय का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सहायक निर्देशक सुरेंद्र सिंह, मनोहर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष राव ने प्रदेश अध्यक्ष पूनिया से की मुलाकात। शुक्रवार को जालोर भाजपा जिला अध्यक्ष राव सरवण सिंह बोर्डली ने जिले में चल रही विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से मुलाकात की व आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान उनके साथ निवर्तमान जिला प्रमुख वन्य सिंह गोहिल, राव पहाड़ सिंह बोर्डली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालोर शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा रैली निकालकर बीओटी रोड टोल के विरुद्ध सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा अंबेडकर सभा स्थल पर एकत्रित होकर रोड से रेवदर बीओटी रोड टोल टैक्स के विरोध में शहर के कई हिस्सों में रैली निकाली गई। इसके बाद इन संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को टोल टैक्स समस्या के संदर्भ में ज्ञापन सौंप कर तत्काल प्रभाव से उक्त समस्या के निस्तारण की मांग की गई। इस दौरान व्यापार मंडल, जीप कार टैक्स यूनियन, मिनी ट्रक, निजी बस, केमिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। वहीं ज्ञापन सौंपते वक्त राव शंकर सिंह बगेड़िया, बाबूलाल माली, मिश्रीमल सांखला, सुनील शर्मा, अंबालाल परियार, कयूम खान, महबूब खान, सुखदास वैष्णव, प्रवीण खंडेलवाल, शिवलाल खींचड़, इंदर सिंह गुजर, जोग सिंह, सुरेश कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। तो ठीक साथियों, शुभरात्रि, सब्बा खैर, कल फिर मिलते हैं आपके प्यारे चैनल दी रतन टॉप पर। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा दबाना ना भूलें।